हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिसे आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट भी लगा लोगे तो आपकी स्किन में अलग सा ग्लो आएगा, निखार आएगा, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे हैं, झाइयों की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ईजी है और सिर्फ दिन में अगर आप 10 मिनट भी इसे लगा लोगे तो आपकी स्किन में जो ग्लो आएगा वो देखने लायक होगा। और साथ ही साथ मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस रेमेडी को किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एलोवेरा जेल की। मैंने यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट का भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए शुगर। शुगर पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हमारी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाएगा। लास्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करेगा, ग्लोइंग बनाएगा, स्पॉटलेस बनाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमें इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको एक फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है। जब भी आप फ्रेश एलोवेरा जेल तोड़े उसके बाद आपको नीचे का जो उसका येलो पार्ट निकलता है वो आपको थोड़ी देर के लिए इसको खड़ा करके रख देना है ताकि इसका येलो पार्ट अच्छे से निकल जाए और उसके बाद आपको इसे यूज़ करने के लिए ले लेना है। तो मैं यहाँ पर इसका छोटा सा पीस कट कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं और मार्केट के एलोवेरा जेल कम से कम आप 2 चम्मच ले लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैं साइड से इसे कट करके ऊपर से भी इसको कट कर लूँगी और उसके बाद आपको इसे इस तरीके से कट कर लेना है ताकि इसका जो रस है वो अच्छे से निकल जाए। तो अब हमारी रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। हमने एलोवेरा जेल कट कर लिया है। अब बारी आती है हमें इस रेमेडी को यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले 1 चम्मच शुगर पाउडर लेना है। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच राइस फ्लावर ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। राइस फ्लावर और शुगर पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको वाइट एंड ब्राइट एंड स्किन मिलेगी। तो मैंने जो यहाँ पर एलोवेरा जेल कट किया था उसको मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने जो ये शुगर पाउडर और राइस फ्लावर का जो पेस्ट है, जो पाउडर आपने बनाया है, इसको आपको इसके ऊपर लगाना है। अगर आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है तो आपको ये सारी चीज़ें एक अच्छे से 2 चम्मच एलोवेरा जेल में मिक्स करके अपने फेस पर इसे यूज़ करना है। तो अब हमारी रेमेडी एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसे किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। आप इस रेमेडी को दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद, या फिर दिन में सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट भी इस रेमेडी को लगा लोगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से कम इसे 10 मिनट अपने फेस पर लगाकर मसाज करनी है। राइस फ्लावर आपके फेस पर स्क्रब का काम भी करेगा, शुगर पाउडर आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा और आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो देखिए, इस तरीके से आप एलोवेरा जेल को अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। एलोवेरा जेल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन से सारे दाग धब्बों को दूर करता है, साथ ही साथ अगर हमारी स्किन में एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, झाइयाँ हो गई है, टैनिंग हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके हमारी स्किन वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग होगी। साथ ही साथ बहुत लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है तो एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके हमें वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है, साथ ही साथ मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ फील कर रही है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की बजाय आप दिन में 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी को लगा लोगे तो आपको मार्केट की कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट एंड और शाइनी बना देगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।